अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है और मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई हूँ कि मुझे सोशल मीडिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बगैर कोई रियलिटी जाने इतना बड़ा स्टेप ले लेना, एक वीडियो को इस तरीके से वायरल कर देना और किसी भी सेलेब्रिटी के लिए कोई प्रॉब्लम बनाना, क्योंकि सोशल मीडिया सेलेब्रिटीज़ के लिए प्रॉब्लम्स बनाता है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। आप लोगों को पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, तहकीक करनी चाहिए थी, रियलिटी जाननी चाहिए थी और उसके बाद अगर आपको लगता कि हाँ यहाँ पे कुछ भी ऊंच नीच है तो उसके बाद अगर आप ये स्टेप लेते तो बात कुछ और होती। रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात तो ये कि इट्स बीन ईयर्स, मुझे सालों के साल हो चुके हुए हैं, मैं कभी भी नेशनल पार्क कौसार नहीं गई हूँ। आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कर रही हूँ। सेकेंडली, मैं हरिपुर से क्लास लेकर अपनी मेकअप की डायरेक्ट सीधा मोटरवे से जा रही थी और मोटरवे पे मैंने ये देखा था सारा सिनेरियो, जो कि मैं प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करूंगी बाकायदा उस आदमी के बयान के साथ कि वहां पे क्या हुआ। वो इंस्टा पे, फेसबुक पे जरूर जाकर देखिएगा ताकि आपको रियलिटी पता चले। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत दिल से मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आपने उस एक फेक वीडियो को वायरल किया है, आप मेरे इस मौकफ को भी और इस वीडियो को जो मैं अब अपलोड करने जा रही हूँ इसको भी प्लीज मैक्सिमम वायरल करें ताकि रियलिटी लोगों के सामने